शाम में जो दोपहर में हमारे चंद्रनकुटा इंस्पेक्टर नागेंद्र प्रसाद वर्मा को एक इत्तला मिला था कि एक शख्स जो है सो औरतों के न्यूड पिक्चर्स लेना और न्यूड वीडियोस बनाना घरेलू मसलों से आप लोगों को बाहर निकालते बोल के वो लोगों को झूठे एहसास दिलाते हुए वो कर रहे बोल के एक इन्फॉर्मेशन आया था। उस सिलसिले में हमारे नागेंद्र प्रसाद वर्मा एक सोशल वर्कर के हेल्पर उनके मौजूदगी में एक डेकॉय ऑपरेशन करे। वो डेकॉय ऑपरेशन में एक सैयद हुसैन सन ऑफ आमिर अली 25 साल का है, लारी ड्राइवर काम करता, मोमिन गली राजेश्वर बसों कल्याण बीदर में रहने वाला शख्स है, इस शख्स को गिरफ्तार कर लिए। उनके पास मोबाइल चेक करने पर कई औरतों के नंगे वीडियोस और फोटोज, हाथों पैरों के फोटोज और सब भी मिले और उस सिलसिले में हम लोग एक FIR इशू करके हम उस पर तहकीकात कर रहे हैं। उसमें जो है सो वो लोगों के घरेलू मसलों में और जिस्मानी प्रॉब्लम से दूर करते बोल के एक झूठा एहसास दिला के उन्होंने या औरतों को फोटोज मिले ने और इन्हों जो है सो यहाँ के उनके साली साहबा का घर को आए, उन्होंने उनके घर को आके 4 दिन से वो काम कर रहे हैं बोल के मालूम हुआ। इनको जो है सो एक चारमार पे एक औरत मिले थे, उन्होंने हेल्प करे बोल के मालूम हुआ और ये निकाले सो वीडियोज भी इनके एक दोस्त गुलबर्ग में रहने वाले शख्स को व्हाट्सएप में भेजा है बोल के मालूम हुआ। उस सिलसिले में हम केस दर्ज करके तहकीकात कर रहे हैं और इसमें सबसे गुजारिश है अगर कोई भी ये आदमी के झूठे इल्ज़ामों के झूठे उसको शिकार हो सो कोई भी औरत है तो कोई भी शख्स है तो हमारे पास आके आप लोग इन्फॉर्मेशन दीजिए और केस करना है और भी ये लोग ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ी से खड़ी एक्शन लेना है और अंदरूनी गहराई से अपन इसके एविडेंस इकट्ठा करना है। इस सिलसिले में जो है हमारे CP साहब CV आनंद साहब और हमारे DCP साई चैतन्य साहब के निगरानी में ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में और कुछ भी आए तो अब अभी सेक्शन से ऐड करके अभी वो लोगों को वो लोगों के ऊपर खड़ी से खड़ी सजा दिलाने के लिए हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे। सर एक्टिविटीज़ कितने दिन से हो रही थी? ये एक्टिविटीज़ फिलहाल तो 4 दिन बोल रहे हैं लेकिन हम लोग साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे। उस सिलसिले में साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करके लोग कब से कर रहे हैं ये पूरे कितने लोगों का निकाले कौन 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 औरत है वो लोगों का एविडेंस भी लेना है ये सब करना है तो हम ये सब करेंगे। गिरफ्तारी एक ही हुई और फिलहाल तो एक ही हुई अभी भी होने वाला चांस है अभी तक फोटो अभी कितने लोगों का आप हम नहीं बता सकते। सर इससे पहले भी हैदराबाद आए थे ये जो अरेस्ट हुए अब फिलहाल तो इन्फॉर्मेशन है 4 दिन उन्होंने पहले न्याय बोल रहे लेकिन आए न्याय हर चीज भी साइंटिफिकली वी विल कलेक्ट द एविडेंस। फिलहाल तो एक ही है इनके पीछे और कौन है और कौन कौन है क्या क्या कर रहे हैं वो पूरा भी हम तहकीकात में बाहर लाएंगे। फोटोज कलेक्ट करके क्या किसको भेज रहे थे और मकसद क्या हो सकता है सर? अब वो जनरल थोड़े लोग क्या करते हैं ऐसे लोगों का नंगी वीडियोस वेबसाइट पे हम अपलोड करते हैं उसको व्यूज और उसका कंटेंट के लिए ऐसे पैसे कमाते हैं और यार तो ये लोगों को डरा के आप लोगों को वीडियो आए उनके डरा के कुछ गलत हरकत कराने के चांसेस रहते हैं। वो कौन सा हो रहा क्या है अब हम लोग कौन से एंगल में जा रहे हैं ये पूरा वो एंगल में हम लोग तय करते हैं।